अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? एक लंबी नींद करने के बाद मैं उठी हूँ अगले दिन। कल का दिन तो मेरा चला गया सोने में ही। अभी नाश्ता करने निकली हूँ, रात मैंने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गई। और अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पे हूँ, देखिए आप लोग भी। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है जहाँ से मैं गुजर रही हूँ, और मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो देखती हूँ अभी क्या खाऊंगी। कुछ टर्किश ब्रेकफास्ट किया जाए, कोई जूस लिया जाए। सामने एक ये मस्जिद है जिसे शायद अभी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ बने हुए। ये पूरी स्ट्रीट है जहाँ पे आप खाएं पिएं, फ्रेश जूसेस पिएं। वैसे मेरा दिल चाह रहा है फ्रेश जूस पीने को। और इस तरफ भी देखते हैं क्या है। राइट, यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं ना, सारी इंक्लाइन डिक्लाइन है। ये देखिए, ये नीचे को यूं स्लो जा रहा है। गाड़ी गुजर रही है, वेदर अच्छा हो रहा है, प्लेजेंट है वेदर। कहीं भी जाना है तो यहां से हम टैक्सियां ले सकते हैं, लेकिन पहले मुझे कुछ खाना है। मैं सिर्फ अभी देख ही रही हूं कि मुझे क्या खाना है। क्लासेस रखने भूल गई, बहुत तेज धूप है भाई, चुभने वाली। अच्छा जी, देखते हैं अभी इसमें भी। तो ये इस्तांबुल की गलियां हैं। अबे मैं इस्तांबुल इस्तांबुल बोले जा रही हूँ, वो मेरे वही ना मजाक ना बन जाए। तो इसको बोलते इस्तांबुल, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा खींच रही थी, तो हम इसको इस्तांबुल ही बोलेंगे अब। और देखें ये बिल्डिंग्स हैं, मतलब ये सारे होटल्स हैं, ये सब होटल्स हैं, सब होटल्स हैं। और ये सामने मस्जिद है, ठीक है? और ये घूमते हुई मैं, और ये घूमती हुई मैं, मुझे सड़क क्रॉस करनी है, उधर जाना मुझे, लेकिन गाड़ियां आ रही हैं। अच्छा जी, मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लग रहा है, और देखती हूँ इसमें जाके कि क्या क्या है नाश्ते में। तो साथ रहिए, नाश्ता शेयर करती हूँ अभी। ये देखें, उसने नहीं सोचा कि मैं क्यों गली में लगाऊं ठंड। तो ये मेरा आ गया, ये मुझे पता नहीं कुछ मजे का लग रहा है, कोई पराठा चीज टाइप। चेक करें ये, अच्छा अंदर जाके देखती हूँ। ये रेस्टोरेंट, तो यहाँ मैं एंटर हो गई। हेलो, के साथ आए आप, यहाँ बैठे, वहां बैठे, कहीं पे भी बैठे और खा लें। This is called baklava, ना? Okay. Break? Meats and Spanish. Okay. This is for breakfast, ना? Okay. For lunch, for breakfast, for dinner. Okay, कौन सा लिया जाए? मेरे ख्याल से वो वाला लेते हैं, चलो खा के देखते हैं ये भी आज। मैंने इसको बोला पहले मुझे टेस्ट करवाओ, अगर मुझे समझ आया तो मैं खाऊंगी। आज मैं खाने लगी टर्किश ब्रेक, ब्रेक ओके विद लाते। मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है, खा के भी मैंने थोड़ा सा देख लिया लकीली। अच्छा नाश्ता खाने से मिल गया, और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। चलें जी, ब्रेक आ गया है, और साथ में मैंने कॉफी मंगवाई है लाते, वो भी ला रहा है वो, लेकिन मैं खाना शुरू कर दूं। भाई ये एक्सक्यूज मी, आई वांट मोर, वन या मोर। ओह माय गॉड, नाइफ, डू यू हैव नाइफ?
Nice piece. Thank you. नमक मेरे हिसाब से तो बहुत कम, सॉल्ट ही नहीं है। वाह रिक, ऑयली बहुत है। कॉफी मेरी आ गई है। थैंक यू। थैंक यू सो मच शुगर। थैंक यू। साथे कॉफी और ब्रेड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। मेरा दिल चाह रहा है बकलावा खाने को, लेकिन सम टाइम बकलावा खा के ना मेरे सीने पे जलन भी होती है और मुझे बड़ा घूमना फिरना है। मैं नहीं चाहती मेरे सीने पे जलन हो। Let's see. देखिए, this is very delicious. हाँ, जरा समझ नहीं आई, बड़ा स्वादा सी हुए उसको समझ नहीं कहता। Excuse me, Bill. उन्हें नहीं समझ आई मुंडे का। मैंने बकलावा नहीं खाया, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि मैंने गर्मी में पैदल चलना है। 130 ओके, 130 सीरा बना है और ये डॉलर कितने हो गए हिसाब लगाएं। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त लीरा जो है 10.5 रुपए 11 रुपए का है, तो ये कितने बने, कितने बने हिसाब लगाए आप लोग, तब तक मैं बिल दे दूं। इनको नहीं समझ आती हम क्या कर रहे हैं। मजा आया मुझे, बड़ा ही मजा आया मुझे, लेकिन अगर मेरे साथ कोई होता तो मुझे और ज्यादा मजा आता। अकेले खाने की मुझे आदत नहीं है, मिल बांट कर खाने का जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है, तो इसीलिए मैंने अकेले खा लिया। आया भूख लग रही है भाई, कल वो फ्लाइट में खाया था मैंने, हाँ वही खाया हुआ बस, और पानी पिया था होटल में। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। 70 रुपए वापस मिल गए मुझे। अब हम आगे निकलेंगे, आगे कुछ समझ आएगा खा पी लेंगे, और नहीं समझ आएगा तो फिर किसी रेस्टोरेंट में घुस जाएंगे। सो या चले जी, साथ रहिए और आ जाइए मेरे साथ साथ, आ जाइए कम विद मी। ये हमने कर लिया है नाश्ता, यहाँ से हम करेंगे, आप बुफे भी ले सकते थे और आप अपने ऑर्डर का भी खा सकते थे। तो मेरे लिए जो नया था मैंने वो खाया है, बुफे को मैंने चूज नहीं किया। बाय बाय। मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया ब्रेकफास्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, ये मुझे कब से पूछ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये मुझसे पूछ क्या रही है ना। तो जब इन्होंने बोला कि कुछ बोल के बोलती फिरोजा, तो ये नेम फिरोजा, ओके फिरोजा, तो मैं मुझे समझ आ गई ये मेरा नाम पूछ रही, तो मैंने बोला माय नेम इज आलिया, मेरा नाम आलिया है ते एना दा नाम फिरोजा है, ते मैं ना नाल एना नाल मैं इंग्लिश च गल करा या मैं पंजाबी च गल करा, एना नु केड़ी समझ आ जानी है, ते मेरी मर्जी मैं जिंज मर्जी गल करा, और इनके जो दांत है ना वो आई एम टॉकिंग अबाउट योर टीथ, दिस इज गोल्ड Gold. Yeah. इनके दांत जो है ए शुभी ए लाइक दिस, डू लाइक दिस, नहीं एंज कर, नहीं एंज कर, देखा एना नहीं समझ आ रही, मैं कुछ
ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਾਂ ਆਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਓਕੇ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਘੁੰਮਾਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਟਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੰਬਸ ਅਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਟਲ ਆਉਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਹੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਔਖੇ ਹੈ।